हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सलोन फैक्ट। गाइस, आज का जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा खास और इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ एंगेजमेंट हेयर स्टाइल आप कैसे कर सकते हैं, और ज़्यादा समय नहीं लगने वाला गाइस इस हेयर स्टाइल में आपको। तो स्टाइलिंग करने से पहले आप सभी को पता है हमें क्रिम्पिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जैसे कि हर एक वीडियो में बताता हूँ मैं आपको, क्रिम्पिंग आपकी एक अच्छी क्रिम्पिंग होनी चाहिए, ब्रांडेड क्रिम्पिंग होनी चाहिए, और साथ ही साथ उसकी जो प्लेट होती है वो माइक्रो होनी चाहिए, ताकि जो हमारी क्रिम्पिंग में ज़्यादा स्टैटिक चार्ज ना आए और ज़्यादा रफनेस ना आए। जो चौड़ी प्लेट वाली क्रिम्पिंग होती है, जिसके जो दांत होते हैं ना खुले खुले, तो उसमें ज़्यादा रफनेस सी दिखती है बालों में। माइक्रो में क्या होता है गाइस, बहुत पतले पतले क्रिम्पिंग के निशान दिखते हैं और ड्राइनेस भी कम दिखती है। क्रिम्पिंग गाइस आपको पूरे हेयर पर नहीं करनी है, जैसा कि मैंने हर वीडियो में करता हूँ, टॉप एरिया पे और ईयर टू ईयर सेक्शन पर जहाँ पफ बनता है, और फ्रंट पर जहाँ पे फ्रंट वेरिएशन हम बनाते हैं उसी उसी एरिया पे आपको क्रिम्पिंग करनी है। और क्रिम्पिंग गाइस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। क्रिम्पिंग के फुल ट्यूटोरियल गाइस मैं आपको नहीं दिखाया, क्योंकि सारी वीडियो में मैं दिखाता हूँ, टाइम वेस्ट आपका मैं करना नहीं चाहता। अगर आपको प्रॉपर क्रिम्पिंग देखनी तो मैं प्रीवियस वीडियो में जाके दे सकते हैं, पहले वीडियो में मैं आपको क्रिम्पिंग करना भी सिखाया है। और ये मैंने आप पफ सेक्शन निकाल लिया है, इसको सेपरेट कर देंगे हम सेक्शन क्लिप लगाकर। और गाइस जो नीचे के हेयर बचे हमारे, इन सबको हम करेंगे कर्ल्स। और गाइस हमें कर्ल्स करने के लिए सेक्शन जो मैं निकाल रहा हूँ हम बाकी हॉरिजॉन्टल में निकालते हैं, इस वाले हेयर स्टाइल में हम वर्टिकल सेक्शन ले गए, ठीक है गाइस। वैसे तो हम कभी कभार डायगोनल भी निकालते, तो इसमें हम वर्टिकल सेक्शन ले गए। और मैंने अपनी पहले एक दो वीडियो मैंने पहले बना रखी है कि हम वर्टिकल सेक्शन क्यों निकालते हैं। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी है तो इसका आंसर आप ज़रूर देना कि मैं इस वाले हेयर स्टाइलिंग में हॉरिजॉन्टल सेक्शन क्यों नहीं निकाल रहा हूँ और क्यों मैं वर्टिकल सेक्शन निकाल रहा हूँ, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। साथ ही साथ गाइस आपको एक चीज़ और नोटिस करनी है, जब हम कर्ल्स करते हैं दोनों साइड पर, तो हम देखिए जैसे कि मैं इस साइड वाले कर्ल्स कर रहा हूँ तो मैं अपने लेफ्ट साइड टर्न कर रहा हूँ, और जब दूसरी साइड वाले कर्ल्स करूँगा तो उसको राइट साइड टर्न करूँगा। तो लेकिन मैं इस वाले हेयर स्टाइल में सारे कर्ल्स की डायरेक्शन सेम रखूँगा, लेफ्ट साइड ही, जैसे मैं अभी इस वक्त कर रहा हूँ। पूरे सेक्स पूरे हेड पर, मतलब मैं इसी डायरेक्शन पे कर्ल्स करूँगा। ऐसा क्यों करूँगा गाइस, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बता रखा है, तो मुझे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि मैं सारे कर्ल्स एक ही डायरेक्शन में क्यों कर रहा हूँ। अगर जिसको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस ये मैं करने वाला आउट कर्ल्स, उसे मैं हम आउट कर्ल्स कहते हैं, आइनिंग से करने हैं, लूज करने हैं, ज़्यादा टाइटली नहीं करने हैं आपको, जस्ट फ्री हैंड ही करने हैं। ज़्यादा स्पाइरल करोगे तो लेंथ भी ज़्यादा शॉर्ट लगेगी, वैसे भी बाकी आपको लास्ट में जब सेट करना है उसको थोड़ा सा लूज करना है, खोलने हैं कर्ल्स को। और गाइस देखिए ये वाला कर्ल्स भी जो लास्ट वाला, वो मैंने सेम डायरेक्शन में करा है, सारे कर्ल्स एक ही डायरेक्शन में करे। और जो ये वाला कर्ल्स है, ये क्राउन एरिया का जो साइड का सेक्शन है, इसको हम बॉक्स सेक्शन निकाल के सेपरेट कर देंगे और इसको भी सेम डायरेक्शन में करेंगे। गाइस जब आप कर्ल्स करते हो ना, उसकी डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है आपके हेयर स्टाइलिंग में। अगर आप कहीं इन में कर रहे हैं, कहीं आउट में कर रहे हैं, कुछ कुछ हेयर स्टाइलिंग में चलता है, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चीज़ बना रहे हो, उसी के हिसाब से आपको कर्ल्स करने हैं। अब मैं ये वाला हेयर स्टाइल बना रहा हूँ, इसकी डायरेक्शन आप एक साइड नहीं रखोगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और जब हमने ये सेक्शन छोड़ा था गाइस पफ का सेपरेट, इस पर हम बनाएंगे एक पफ, और पफ की अलग से भी मैंने वीडियो बनाई हुई है गाइस, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी आप जाकर देख सकते हो। उसमें बहुत ज़्यादा ईजी पफ बताया मैंने आपको, बेसिक टू एडवांस लाइनिंग वाला पफ कैसे बनाएं और सिंपल बेसिक पफ भी कैसे बनाएं। और बैक कॉमिंग गाइस आपको एकदम अच्छे से करनी है, रूट्स तक आपकी बैक कॉमिंग आनी चाहिए। अगर रूट्स पर नहीं आएगी तो आपका पफ जो है टेढ़ा मेढ़ा बनेगा और शेप अच्छी परफेक्ट नहीं आएगी। देन हर एक बैक कॉमिंग पे आपको हेयर स्प्रे करना है, और अब मैं एक कॉम से नीटनेस कर रहा हूँ। नीट आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी करना होता है पफ, जो आप बैक कॉमिंग करते हो तो कुछ कुछ बैक कॉमिंग जो है आपके फ्रंट पर भी आ जाती है, तो उसको नीट करके ही आप पिनअप करें। पहले पिनअप करोगे बाद में नीट करोगे तो आपका पफ है ख़राब हो जाएगा। ऐसे इसको हम होल्डिंग देंगे, पफ की एक हाइट जो है वो डिसाइड करेंगे, देन इस पर हल्की हल्की जो है पुलिंग क्रिएट करेंगे, सिर्फ लिटल बिट पुलिंग निकालने का, बिल्कुल हल्की हल्की पुलिंग निकालनी है,
काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा नहीं निकालनी, जो आज कलर है इनके, वहाँ थोड़ा सा जो है विजिबिलिटी को बढ़ाऊँगा, और हेयर स्प्रे जो है उसको अच्छे से करूँगा, जिस वजह से जो पुलिंग है हमारी स्टे रहे और आपको फिनिशिंग में विजिबल हो। और गए हेयर स्प्रे, आपको दिख रहा है कि मैं सिर्फ टॉप एरिया से, मतलब ऊपर से हेयर स्प्रे नहीं कर रहा हूँ, अगर उस साइड की पुलिंग है तो मैं लेफ़्ट साइड से कर रहा हूँ, और राइट साइड की पुलिंग है तो राइट साइड के साइड से स्प्रे कर रहा हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैंने डे वन डे टू मेरी हेयर स्टाइलिंग वीडियो देखोगे आपको अच्छे से समझ आएगा। होल्डिंग आपको टाइटली रखनी है जब तक आपका पिनअप नहीं हो जाता। मैंने बॉब पिन लगा दिए, पफ हमारा हो गया है लॉक, और लास्ट में जो हम स्प्रे कर देंगे अच्छे से, और पुलिंग को अच्छी तरह से, मतलब जो छोटे छोटे बाल का छोटे रहते हैं उसको एकदम क्लीन नीट एंड क्लीन कर देंगे, ताकि वो जब वीडियोस वगैरह बनती है तो छोटे छोटे बाल उड़े हुए वो अच्छे नहीं लगते, तो स्प्रे की मदद से हम उसको बिठा देंगे। और बनाने वाले गाइस हम फ्रंट फ्रंट गाइस बहुत इजी बनाएंगे, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। और ये जो हेयर स्टाइल लगा इस इंगेजमेंट का, आप काफ़ी ज़्यादा आसानी से बहुत जल्दी बना सकते हैं, तो अगर आपकी स्पीड है तो आपका एक 10 मिनट में हेयर स्टाइल कम्प्लीट हो जाएगा। क्रिम्पिंग अगर आपको मतलब करी हुई मिली तो क्रिम्पिंग में बस क्या है, जो थोड़ा सा जो टाइम लग जाता है, अगर दो जने करेंगे तो गाइस इजीली 15 मिनट में आपका हेडू तैयार हो जाएगा। तो गाइस ये देखिए बॉक्स सेक्शन हमने निकाल लिया है, उस पर हल्का सा जो है हमने स्प्रे करा है, स्प्रे हमने ये होल्डिंग के लिए नहीं करी, ये छोटे छोटे जो बाल उड़े होते हैं स्टैटिक्स आ जाता है बालों में, उसके लिए ये हेयर स्प्रे मैंने किया हुआ है। और देखिए आगे थोड़ा सा सेक्शन को आगे कर करना, 90 डिग्री पे नहीं किया गया इसमें, 90 डिग्री से थोड़ा सा आगे करके इस पर बैक कॉम करिए, देन हल्का सा जो है स्प्रे करके, और फ्रंट पे इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो छोटे छोटे बाल उड़े हुए ना दिखे। गाइस आपको पता ही है जो आपके फ्रंट पे फिनिशिंग नहीं आती है वो छोटे छोटे बालों की वजह से नहीं आती है, तो आपको स्प्रे से उसको बिठाने हैं, सारे बाल जब तक बैठ नहीं जाते आपको कॉम अच्छे से करते रहने हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। और गाइस आपको इस मेकअप का ट्यूटोरियल चाहिए, इंगेजमेंट मेकअप का ट्यूटोरियल चाहिए, तो उसकी भी वीडियो मैंने डाली हुई है, और आप चाहते हो उनकी इंगेजमेंट मेकअप लुक की वीडियो देखना, ट्यूटोरियल आप सीखना चाहते हो कि ये मेकअप कैसे हो, तो इस वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाना है, देन वीडियो के लिंक को क्लिक कर देना है, आपको इनका जो इंगेजमेंट मेकअप का ट्यूटोरियल है आपको वीडियो मिल जाएगी। और गाइस फ्रंट भी देखिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बॉक्स सेक्शन जो है हमने हल्का सा सिलेंडर में टक करना है इनको, और इस पर अच्छे तरीके से हम एक लाइनिंग देंगे, पुलिंग देंगे, जिस तरीके से अभी इस टाइम देखिए बेसिक सा लग रहा है थोड़ा, उसमें जब हम लाइन देंगे तो थोड़ा सा क्रिएटिव दिखेगा, एडवांस की तरह ये दिखेगा एडू, तो इसमें हम हल्की हल्की जो है पुलिंग देंगे, बिल्कुल लाइनिंग दे रहे हैं हल्के से, पुलिंग भी नहीं कर रहे, हल्की हल्की सिर्फ स्केचिंग लाइन दे रहे हैं, जहाँ इनका बाल जो हाइलाइटिंग है तो कोशिश कर रहा हूँ वहाँ वहाँ अच्छे से विजिबिलिटी दिखे। और जैसे शुरू में तो फर्स्ट फ्री हैंड ही करना होता है, देन स्प्रे करके आपको नीट एंड क्लीन करके प्रॉपर फिनिशिंग से लाइनिंग को विजिबिलिटी देनी होती है, तभी आपको देखिए जैसे जैसे मैं स्प्रे कर रहा हूँ, जहाँ मैं फिंगर से कर रहा हूँ वहाँ की विजिबिलिटी कितनी अच्छी आ रही है। वो बस गाइस देखिए ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट होने वाला है, बस हमने क्या करना है उस साइड का जो हेयर स्टाइल है वो भी टक करना है, मतलब वन साइड से, तो हमने ये बॉक्स सेक्शन का हमने ये फॉल बना दिया है, और टेल कॉम की मदद से गाइस आपको काफ़ी ज़्यादा फिनिशिंग देनी है, और ये छोटे छोटे बाल आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाले हैं, और मुझे पता है आप भी हेयर स्टाइलिंग करते हो तो ये छोटे छोटे बाल आपको परेशान करते हो गए, इस वजह से आपके हेयर स्टाइल में फिनिशिंग नहीं दिखती होगी। अगर ये बात सच है तो गाइस कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, तो गाइस ये ऐसी बात नहीं, हमें नहीं करते, हमें भी करते, तो इसलिए देखिए मैं कितनी बार स्प्रे का यूज़ कर रहा हूँ, और स्प्रे हमारा सिर्फ उन्हीं छोटे छोटे बालों पर ही लगना चाहिए, कुछ लोग सारे बालों पर लगा देते हैं तो वहाँ भी स्टिकनेस आ जाती है बालों में, वहाँ भी फिनिशिंग हमारी जहाँ आती है वहाँ भी ख़त्म हो जाती है। तो गाइस इसी तरीके से दूसरी साइड हम स्टाइलिंग कम्प्लीट करेंगे, यहाँ पर हम हल्का सा जो इस सेक्शन पर बैक कॉम करेंगे, बैक कॉम करने से पहले स्प्रे किया हुआ है मैंने, ताकि छोटे छोटे बाल वही वापस ना आए, और टेल कॉम की टेल की मदद से इन बालों को बिठाएंगे, और इसको पफ जहाँ हमने लॉक किया है उसी साइड हम इसको पिनअप करेंगे।
और गाइस ये देखिए जहाँ जहाँ इनकी हाईलाइटिंग है तो थोड़ी थोड़ी सी वहाँ मैं पुलिंग कर दूंगा, लाइनिंग क्रिएट कर दूंगा, जस्ट फ्री हैंड करेंगे। और इनके देखिए थोड़े वो छोटा सा बाल दिख रहा होगा आपको, और इसको भी हम सेट करेंगे स्प्रे की मदद से। अभी देखिए कितना बेकार लग रहा है कैमरे में, और जैसे मैं स्प्रे करूँगा इसको लाइनिंग की भी विजिबिलिटी बढ़ जाएगी, और जो वो बाल उड़ता हुआ दिख रहा था आपको उसको भी मैं सेट कर दूंगा। तो देखिए गाइस अब वो हेयर आपको दिख भी नहीं रहा होगा, अगर आप पीछे जाके वीडियो पीछे थोड़ी सी करके भी देख सकते हो, बाल पहले कितना अजीब लग रहा था एकदम, वो भी हाईलाइटिंग वाला बाल था, ऐसे साफ साफ दिख रहा था। तो अब ये स्प्रे की मदद से मैंने उसको सेट कर दिया। और फ्रंट वाले हेयर पे गाइस आपको कुछ नहीं करना, हल्के हल्के ऐसे फिंगर से फ्री हैंड खोलने हैं, और जो पीछे के पफ वाले बचे हुए हेयर को भी आपको कर्ल्स कर देना है और शोल्डर पे ले आने हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारे जो बाल है आपको शोल्डर पे ले आने इस तरीके से। और गाइस हमारा हेयर स्टाइल पूरा कंप्लीट हो चुका है, बस हमने क्या अलग करना है, हम फ्लावर्स लगा रहे हैं। और जो इस फ्लावर्स का नाम पहले मेरी इस वीडियो में लोग कह रहे थे, जानना चाह रहे थे कि इस फ्लावर्स को क्या कहते हैं, तो गाइस फ्लावर्स का नाम है ऑर्किड्स, और ये जो हमारे छोटे छोटे वो बेबी ब्रेथ है। और गाइस ये हेयर स्टाइलिंग आपको कैसी लगी तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो गाइस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। और गाइस आपको किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारे सैलून से रिलेटेड, कोई ऐसी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो गाइस वो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर मैंने विजिटिंग कार्ड दिया हुआ है, उस पर हमारा एड्रेस और नंबर दोनों चीज़ मेंशन है। तो आपको हमारे सैलून से रिलेटेड कैसी भी इंक्वायरी चाहिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और गाइस हमारे सैलून का जो एड्रेस है कार्ड पर मेंशन है, एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ, हमारा जो सैलून का एड्रेस है वो रोहिणी सेक्टर 17 मेन मार्केट राकेश मेकओवर के नाम से गाइस ये न्यू दिल्ली में है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गाइस हमारा हेयर स्टाइल है वो कंप्लीट हो चुका है, प्रॉपर फ्लावर्स लग के भी काफ़ी ज़्यादा प्यारा दिख रहा है। तो आपको मैं इसके फाइनल लुक दिखाने वाला हूँ, वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना है कि फाइनल लुक कैसी लगी आपको।